और आज से हिमाचल प्रदेश में नई सरकार की शुरुआत हुई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। मौके पर एक दूसरे को बधाई दी, मिठाई खिलाई। कांग्रेस के कई विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। तो राज्य सचिवालय पहुंचे दोनों ही नेता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, और आज दोनों ने अपना पदभार संभाला है, कार्यभार संभाला है। एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जब दोनों ही नेता अपने अपने ऑफिस में पहुंचे। मीडिया का भी जमावड़ा रहा, कांग्रेस के कई नेता और विधायक इस दौरान मौजूद रहे, कर्मचारी जो सचिवालय के थे वो भी मौजूद रहे और सभी ने दोनों नेताओं को बधाई दी। और कार्यभार संभालने के बाद डिप्टी सीएम और सीएम की तरफ से बयान भी आया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा करेंगे, हिमाचल के सभी वर्गों का ख्याल रखा जाए। हमें सेवा करने का मौका दिया है, हम जो बात हमने कही है कि हिमाचल के सभी वर्ग, समाज का कोई भी ऐसा वर्ग जिसमें महिलाएं, किसान, बागवान, मजदूर, दलित, युवा साथी, जो भी उनके हित की नीतियां होगी, मेरे सम्मानित विधायकगण, उप मुख्यमंत्री जी मुकेश अग्निहोत्री जी और हमारे जो वरिष्ठ नेता है पार्टी में जिन्होंने अनुभव किया है, ठाकुर कौल सिंह जी, कुलदीप जी, जिन्होंने पार्टी को सींचा है, हम सब लोग पार्टी को सींचा है हम लोगों ने। और जब पार्टी को सींचते हैं तो उस सींचने के बाद जब वो गुलदस्ता बनता है, उस गुलदस्ते में से एक अगर कोई कमल खिलता है तो उसका मतलब होता है कि वो सबके लिए एक सम्मान है, सबके हित की बात करने के लिए। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी बयान दिया और कहा कि सीएम साहब ने अपना पदभार संभाला है, आज से हिमाचल प्रदेश में नई शुरुआत हो रही है, हमने जो भी ऐलान किए हैं वो पूरा करेंगे, पूरे कैबिनेट बनते ही फैसले लिए जाएंगे, जनता से किया गया वादा निभाया जाएगा, ओपीएस को सबसे पहले लागू किया जाएगा। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्यभार संभाला है तो यहाँ पे आज नई शुरुआत हो रही है हिमाचल प्रदेश में। और जहाँ तक आप गारंटीज़ की बात कर रहे हैं, हमने कहा है उन गारंटीज़ जो हमने ऐलान किए हैं उनको हम पूरा करेंगे, अगर तो कैबिनेट बन जाती है तब तो फुल कैबिनेट में जैसे इन्होंने कहा, नहीं तो हमने 10 दिन कहा है, 10 दिन से पहले चीफ मिनिस्टर प्लस डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट फॉर्म करते हैं दोनों, तो हम फैसला उस हिसाब से कर लेंगे। और इस वक्त एक और अहम खबर, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पहुंची सचिवालय, सीएम सुक्खू से मिलने पहुंची हैं। प्रतिभा सिंह नए सीएम को दी कार्यभार संभालने पर बधाई, मुकेश अग्निहोत्री से भी की मुलाकात। तो एक अहम खबर, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सचिवालय पहुंची हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। पदभार संभालने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू को बधाई दी। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय से। प्रदीप, क्या माहौल है? दोनों ही नेताओं ने अपना पदभार संभाल लिया है, जनता से किए गए वादों के प्रति प्रतिबद्धता जताई है कि हर एक वादे को पूरा किया जाएगा। अब सबकी निगाहें इसी पर हैं कि एक तो कैबिनेट का गठन कब होता है और फिर जो 10 दिन के अंदर इन गारंटियों को पूरा करने की, उसमें से कुछ गारंटियों को पूरा करने का वादा किया था, उसको किस तरह से किया जाता है। बिल्कुल नासिर, देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज सचिवालय में अपना कार्यभार संभाला और इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे के पास गए। जब मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभाला तो डिप्टी सीएम भी वहाँ मौजूद थे, जब डिप्टी सीएम ने कार्यभार संभाला तो मुख्यमंत्री भी वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद हालाँकि थोड़ा देरी से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी पहुँची और उन्होंने भी शुभकामनाएं और बधाई दी नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनके कार्यालय में, और लोगों का भी तांता लगा रहा मिलने वाला।
वालों का। फिलहाल अपडेट ये है कि इस वक्त एक बैठक चल रही है राज्य सचिवालय में, जिसमें पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ बैठक की। सभी तकरीबन ज़्यादातर विधायक इसमें मौजूद थे। जानकारी है कि 2-3 विधायक किसी वजह से पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन टेलीफोनिक बात उनसे हो चुकी है और उसमें से नए विधायक भी मौजूद हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, और जो सीनियर विधायक हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं जो विधायकों के साथ हुई, और उसके बाद अभी मुख्य सचिव भी उस बैठक में गए हैं। तो कुल मिलाकर जो ये बैठक हुई है, अभी जो ये बैठक चल रही है, इसमें जो नए विधायक हैं उनको भी सिस्टम समझाया जाएगा कि किस तरह से फंक्शन करती है सरकार, और आपके जो काम होते हैं, डीओ नोट बनते हैं, बाकी जो सरकार से जुड़े काम होते हैं, किससे बात करनी होती है, कौन नेता वो होते हैं, कौन अधिकारी होते हैं जिनसे आपने डायरेक्ट संपर्क करना है, जिला स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी, ये तमाम मसले हैं। बाकी जो विधायकों को कोई दिक्कतें आती है, जैसे कोई सीनियर विधायक हैं उनके कोई पिछले अनुभव ठीक नहीं रहे हैं अधिकारियों से जुड़े हुए, प्रशासन से जुड़े हुए, उनकी भी वहाँ पर दिक्कतें सुनी जाएगी, और उसके आधार पर जो नई सरकार है, नए जो नेतृत्व है, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो आगे के लिए रोड मैप तैयार करेंगे कि कैसे सिस्टम को सुधारा जा सकता है। तो ये इस बैठक का मुख्य एजेंडा है और ये बैठक अभी चल रही है, और इसके साथ साथ अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री ने मिलना है, उनके साथ अलग से भी इंटरेक्शन करनी है, सिस्टम को समझना है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम नए लोग हैं और अभी हमने सिस्टम को समझना है और कुछ वक्त भी लग सकता है, उसके बाद पूरी तरह से अच्छे से परफॉर्म करेंगे। हालांकि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ज़रूर एक बात कही कि हमने वायदा किया था कि पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम 1500 महीना देने की बात और जो 1,00,000 नौकरियां हैं उसके ऐलान करेंगे, ये हमने पहली कैबिनेट में ये निर्णय लेना है, लेकिन अभी क्योंकि कैबिनेट बनी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर कैबिनेट नहीं भी बनती है 10 दिन के भीतर तो हम मुख्यमंत्री प्लस डिप्टी सीएम हम भी अधिकृत होते हैं इस तरह के फैसले लेने के लिए, तो 10 दिन के भीतर ये फैसले लिए जाएंगे। हालांकि हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर कैबिनेट फॉर्म हो जाएगी, और उसके लिए अभी हालांकि माथापच्ची जरूर चली है, क्षेत्रीय बैलेंस बनाना है, नेताओं में बैलेंस बनाना है, ये दौर इस वक्त चला हुआ है, लेकिन 4 दिन के भीतर कैबिनेट फॉर्म हो जाएगी और पहली कैबिनेट जल्दी ही करने वाले हैं। तो अब अभी जो बैठक है इसका खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है, और उसके साथ साथ बाकी जो आगे के लिए रोड मैप है वो भी आज बनने वाला है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात जरूर कही कि हम जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे और जो करप्शन को जो है किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ट्रांसपेरेंसी एक्ट भी लाने वाले हैं, ये उनकी तरफ से ज़रूर यहाँ पर कहा गया है, और ये जो है मुख्य एजेंडा भी रहेगा। लेकिन जो वायदे कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए हैं, 10 गारंटी हैं, उनको किस तरह से अमली जामा उनका पहनाया जाएगा उन्हें, इस पर भी अब प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं, चूँकि जब कैबिनेट बनेगी, कैबिनेट बैठकें होंगी, उसमें भी चर्चा में कई बातें सामने आ रही हैं, तो अब इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि कैबिनेट कब बनती है, और उसको लेकर जो कशमकश चली है उसमें बेशक एक विषय जरूर आ रहा है कि कैबिनेट में कौन लोग हो सकते हैं, कौन कहां पर क्षेत्रीय बैलेंस बनाना है, किस जिले को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देना है, ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद कैबिनेट गठन हो जाएगा। जी नासिर, अच्छा एक चीज़ और है प्रदीप, कि साथ साथ जो वादे किए गए थे, ठीक है दोनों नेता कह रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि ऐसा लगेगा कि जल्दबाजी में ही कांग्रेस की तरफ से, सरकार की तरफ से उन वादों को पूरा किया जाएगा, ओपीएस जैसा वादा, और इस वादे को लेकर ये शुरुआत के 10-15 दिन ही सरकार की प्रतिबद्धता को दिखा देंगे कि जनता से जो उनके वादे थे, और शायद जनता इतना तो सोच सकती है, जो मुझे लगता है कि चलिए आपने 10 दिन में नहीं किया तो 15 दिन में अपना वादा पूरा कर दें, आप पहली कलम की जो बात बार बार आई थी 20 दिन में कर दें, लेकिन इससे ज़्यादा फिर शायद आलोचना का शिकार होना पड़ेगा सरकार को, नई सरकार को, अगर ज्यादा दिन लग जाते हैं तो। बिल्कुल, देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर साफ तौर पर कहा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जब गारंटी भी दी गई और उसके बाद जब मैनिफेस्टो भी आया था, कि इसको हम पहली कैबिनेट में ही और पहले 10 दिन के भीतर ही पहली कलम से ओल्ड पेंशन स्कीम लिखा जाएगा, ये पहले से ही कहा क्लियर हो चुकी थी चीज़ें। और जब उनसे पूछा जाता था कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हमने अर्थशास्त्रियों से भी बात कर ली है, हमने जो अर्थशास्त्रियों से कैसे पैसा जुटाना है, कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना है, और जो कांग्रेस शासित
राज्य हैं, छत्तीसगढ़ की बात की जाती थी, राजस्थान की बात की जाती थी, उसमें यही कहा जाता था कि उन्होंने भी स्टडी किया, उसके बाद ही उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया है और उसकी नोटिफिकेशन की है। तो पहला काम यही है कि ये एक नीतिगत निर्णय लिया जाना है, सैद्धांतिक निर्णय जो है वो कैबिनेट से होगा, फिर उसकी नोटिफिकेशन होगी। हालांकि उससे पहले तैयारियां जो है वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पर की हैं, तो उसके आधार पर ही ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली हो पाएगी। हालांकि लगातार कांग्रेस के नेता बार बार ये बात कहते रहे हैं कि हमने पूरा होमवर्क किया है, यानी सत्ता में आने से पहले हमने होमवर्क किया है। अब देखना ये होगा कि जब ओल्ड पेंशन स्कीम का एजेंडा कैबिनेट में आएगा, अधिकारी भी प्रेजेंटेशन वहां पर रखेंगे और जो जो मुख्यमंत्री। अच्छा एक बात और बताइए प्रदीप, की ये जो कैबिनेट के गठन की बात है, तो क्या दिल्ली जाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू या फिर हिमाचल में रह के ही सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, जैसे सीएम को लेकर ही बात सामने आ रही थी कि पर्यवेक्षक दिल्ली जाएंगे, रिपोर्ट सौंपेंगे, फिर वहां से ऐलान होगा, लेकिन सब कुछ हिमाचल में ही हो गया। तो इसको लेकर इस पर आपकी एक संक्षिप्त में टिप्पणी मैं चाहता हूं। बिल्कुल, देखिए अभी तक दिल्ली जाने की कोई सूचना नहीं है, हालांकि अभी सिर्फ यही है कि कैबिनेट का गठन करना है। दिल्ली जाने को लेकर फिलहाल कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ है। हालांकि इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली अमूमन जाते हैं, चाहे किसी भी सरकार रही हो, जो राष्ट्रीय नेतृत्व होता है उनसे मिलते हैं, उनका धन्यवाद भी किया जाता है और उसके साथ साथ उनसे आगे के लिए भी राय ली जाती है। तो ये एक दौरा बनता है, लेकिन अभी जो है जो शेड्यूल एक दो दिन हैं उसमें दिल्ली जाने का फिलहाल का कोई कार्यक्रम नहीं बना है। ये कुछ हलचल पीछे हो रही है प्रदीप, अभी क्या अधिकारी हैं या कुछ नेता वगैरह वहां से आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, और जिस तरह की चीजें लगातार हम दिखाते रहे हैं खबरों अभी तक पर, तो शायद आप उस पर अभी नजर रखें कि पीछे क्या कुछ हो रहा है आपके, शायद आप जाने की तैयारी में हैं कुछ नेता वहां से। प्रतिभा सिंह अभी वहीं पर हैं क्या? देखिए प्रतिभा सिंह यहाँ से निकल चुकी है और इस वक्त विधायक, मुख्य सचिव और बाकी अधिकारी ही यहाँ पर जो है वो बैठक कर रहे हैं और उनके साथ मुख्य सचिव भी मौजूद हैं, उनके साथ इंट्रैक्शन हो रही है इस वक्त। जो विधायक वहाँ पर है, नए विधायक हैं, बाकी भी लोग हैं, उनके साथ इंट्रैक्शन हो रही है। तो इस वक्त जो है यहाँ पर ये बैठक का इस वक्त जो है वो दौर चला हुआ है और उसके बाद कुछ देर में सुखविंदर सिंह सुक्खू बाहर निकलेंगे और उसमें बैठक में क्या कुछ रहा है वो जानकारी भी देंगे। जी शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।